हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या प्रणाली का 16 नंबर सगीर अहमद बुक टाइम्स बुक का 16 नंबर सवाल से बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कंप्लीट किया और 1 से 15 तक बताया और वो मात्र एक वीडियो में ही है। आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख लो, लेकिन देखो उसको तब आगे बढ़ना यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से थोड़े से पैटर्न चेंज होगा, बेसिक की जरूरत होगी। मैं क्वेश्चन में भी हल्का फुल्का बेसिक बता के आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बता ही रहे हैं और जरूर कमेंट करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 16 नंबर सवाल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कहता है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 11110 का द्विआधारी मान ज्ञात करें, यानी कि द्विआधारी मान दिया हुआ है, सॉरी मान दिया हुआ है, संख्या मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 20 दिया है, 30 दिया है, 50 दिया है और 22 दिया है। आपको इसका क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर सवाल को बनाना कैसे है तो वो समझो। 11110 और यहाँ पे 2 लगा दिया और बोला मान है, और ऑप्शन आपको संख्या में दे रहा है ना, 20 दे रहा है, 30 दे रहा है, 50 दे रहा है, 22 दे रहा है। इसका मतलब हमको इस संख्या में जाने के लिए आप क्या सोचना, आप ये सोचना कि ये जो मान दिया हुआ है ना, इस मान से हमको संख्या के मान यानी कि दशमिक प्रणाली में जाना है। दशमिक प्रणाली में यानी कि दशमलव मान में जाना है, इसको दशमलव मान भी कहते हैं। यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, उसके बाद गुना करना। जीरो वाले टर्म से अगर गुना किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो ही होता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। 2 पर पावर 1 का मान 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का मान 4 हो जाएगा, 2 का क्यों 8 हो जाएगा, और 2 पे पावर 4 का मान 16 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 24 और 4 2 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ लो, 30 आंसर आएगा और 30 आपका आंसर बता रहा है 2 नंबर ऑप्शन। क्या दिक्कत था इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं था। अब कहोगे कि सर ये आप कैसे कर रहे हैं, हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, पढ़ाने यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ये आपका एक जरा समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप नए जुड़े हैं हमारे साथ। और अगर आप नए जुड़े हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस हम तो आपकी ही हेल्प कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछला वीडियो का वो देखो या फिर आई बटन में देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू से देखो, कंटिन्यू देखो, टाइम्स बुक सगीर अहमद बुक का 16 नंबर सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन तो आप आंख से देख के बना सकते हो आई टच मेथड से, लेकिन आप बेसिक देखोगे तो ही होगा। 10 10 11 लिखा है और फिर 10 लिखा है, ठीक है। और इसको बोला है कि यहाँ पे 2 दे दिया, द्विआधारी मान का मान ज्ञात करें, का मान कैसे बनाओगे इसको। आपको एक बात बता रहा हूं, मैं ऑप्शन लिखता हूं क्योंकि इसको आप आंसर देख के बताओगे कैसे, वो सिखाता हूं पहले। अब बहुत बच्चे इसको अगर पेन चला रहे हैं और एग्जाम में देखो, प्रैक्टिस रहेगा ना आपका तो तुरंत बन जाएगा, और क्वेश्चन वहां पे इतना अच्छा पूछ ही देता है बेसिक से कि नहीं बनता है, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर होता है। हम क्या बताए थे कल की क्लास, पिछले पार्ट में बताए थे कि अगर 0 बचे अंतिम संख्या तो समझ लो वो संख्या सम है, क्योंकि जब वो भाग लगा रहा होता है 2 से द्विआधारी में तो यहाँ पे 0 अगर बच रहा है तो यहाँ पे सम संख्या, क्योंकि वो पूरी पूरी भाग लग रहा होता है और ये अंतिम संख्या होता है और ये अंत में ही लिखाता है। तो इसका मतलब ये तो प्रोडक्ट जो भी इसका संख्यात्मक मान आया होगा वो सम संख्या रहा होगा। क्यों सम संख्या रहा होगा, क्योंकि अंत में 0 है। अगर अंत में 0 रहे, मान लिया जाए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, मान ली 8 दे दे, ठीक है। तो देखो 2 से भाग लगा लो तो कि 2 चौक 8, 4 दून 8, यहाँ शेष रखते थे, यहाँ क्या रखते थे शेष, और यहाँ पे मेरा क्या रहता था भागफल, ये पता है आपको। तो शेष तो यहाँ पे जब 0 अंतिम संख्या तो इधर से लिखा जाता था ना, फिर 2 से भाग दो, 2 दूना 4 0, फिर 2 से भाग दो, 2 एकम 2 0, तो अंत में अगर 0 बच रहा है तो इसका मतलब यहाँ सम संख्या, तो इसका मतलब अंत में अगर 0, इसको लिखा जाता था 1 0 0 0, यानी कि ये मेरा आंसर होता था 8 का द्विआधारी। अब यहाँ पे अगर समझो कि अगर यहाँ पे 0 बच रहा है, लास्ट में 0 है, तो वो तो सम संख्या, और सम संख्या यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सम संख्या कौन है, सम संख्या मेरा 4 वाला टर्म है ना, तो बी नंबर मेरा आंसर हो गया। और ये आप देखना 0 तो यहाँ सम तो आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो सिखाता हूँ मैं आपको।
देखना, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आप क्या करना, इसको अच्छे से पहले थोड़ी दूरी में लिख लेना और सबके नीचे दो लगा देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जीरो पावर जीरो करना स्टार्ट, एक देना, दो देना, तीन देना, चार देना, पाँच देना, छः देना, सात देना, सबका पावर ऐसे दे देना। देने के बाद आप क्या करना, दो पर पावर जीरो का मान कितना होता है, जीरो से गुना करेंगे तो कोई मान नहीं देगा, इसको कुछ नहीं करना। दो पर पावर एक का मान दो हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, दो का क्यूब आठ हो जाएगा, और दो पर पावर चार सोलह का मान जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, दो पर पावर बत्तीस हो जाएगा, और दो पर पावर सात चौंसठ गुना दो कर दो, चार दुना आठ और छः दुना बारह एक सौ अट्ठाईस लिखना। आप कहोगे सर आप दो पे पावर सात कैसे, दो बार छः देखो पाँच बत्तीस होता है, दो बार छः चौंसठ होता है, और चौंसठ दुना एक सौ अट्ठाईस होता है, ये आप करके सिखाए आपको। अब इसको जोड़ लो, चार दो छः आठ छः चौदह, चौदह पंद्रह सोलह, सोलह आठ चौबीस की चार हासिल दो। अब देखो इकाई मेरा चार आ रहा है ना, अब आगे जोड़ो तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात और एक, एक सौ चौहत्तर मेरा आंसर आ रहा है। इस तरह से आपको समय लगा मानते हैं, लेकिन बनाने का ये भी एक तरीका है। और एक तरीका है कि अंत में जीरो रहे तो सम संख्या, सभी विषम संख्या है तो। लेकिन अगर कहोगे क्या और सम संख्या रहता, तो अगर और सम संख्या रहता ना तो आपको यही रूल अपनाना होता, ठीक है। चलो अब सत्रह नंबर के बाद अठारह नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप बना सकते हो। कैसे बनेगा ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1101 का होल टू दे दिया है और प्लस है आपका 10011 का होल टू इक्वल टू 1, आधार में टू लगा दिया है। का मान द्विआधार, द्विआधारी अंकन पद्धति में होगा, यानी कि इन दोनों का मान को द्विआधारी में ही बताना है। इसका मतलब क्या करना है आपको, यह समझना है कि इन दोनों का पहले द्विआधारी मान निकाल लो। मान क्या निकालेंगे देखो ध्यान से, इसके नीचे दो लिखना, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ जीरो, यहाँ एक, यहाँ दो और यहाँ तीन लगा देना। अब देखो जहाँ पे जीरो है ना उसका मान तो हमको जीरो ही देगा, दो पर पावर जीरो का मान एक होगा, यहाँ एक लिखेंगे फिर प्लस देंगे। अब यहाँ पे दो पर पावर दो का स्क्वायर चार होगा, चार एकम चार, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो जीरो मान देगा। दो का क्यों आठ होगा, प्लस आठ कर देंगे, ठीक है। आठ चार बारह एक तेरह का मान आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस। अब यहाँ पर भी उसी तरह दो 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 दो, सभी के नीचे दो लिख देना और जीरो यहाँ पे लगाना, यहाँ वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, और क्या दो पर पावर जीरो का मान वन, वन एकम वन, वन हो जाएगा, फिर प्लस दो पर पावर वन का मान दो हो जाएगा। देखो ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, उस पर कोई डिस्कस नहीं, कोई चर्चा नहीं और कुछ नहीं माइंड लगाना। दो पर पावर चार का मान कितना होता है, सोलह ना, सोलह लिख दो, सोलह दो अठारह एक उन्नीस, उन्नीस हो जाएगा। इसको जोड़ दो, नौ तीन कितना होता है बारह की दो हासिल एक, एक एक दो एक तीन बत्तीस। अब बत्तीस है आपका, अब इस बत्तीस का क्या निकालोगे, द्विआधारी संख्या निकाल लो, थोड़ा इसको लंबा खींच दो, दो से लगा दो भाग, दो अट्ठे सोलह दो नौ बत्तीस लगा दो, ठीक है। यहाँ जीरो बचेगा, फिर दो से लगा दो, दो अट्ठे सोलह जीरो, फिर दो से लगा लो, दो चौक आठ जीरो, दो से लगा लो, दो दूना चार जीरो, फिर दो से लगा लो, दो एक कम दो जीरो, ठीक है। और ये हमारा इधर से लिखा जाएगा, इसका मतलब मान होगा वन जीरो 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 जीरो, ठीक है। दो दो चार एक पाँच, दो चार एक पाँच टू जीरो, और ये मेरा टू यहाँ लगा सकते हो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिया और ऑप्शन नंबर चार दिया, क्या था क्वेश्चन में, 18 नंबर क्लियर है। क्या किए, सबसे पहले इसका मान निकाले, इसका मान निकाले, 32 निकाल के आंसर किए, ठीक है। अब कहोगे सर अगर इसको डायरेक्ट करे तो डायरेक्ट भी बनेगा, चलो डायरेक्ट हमको अभी याद आ गया तो हम बता देते हैं, ऐसे बना दिए तो। अब देखो डायरेक्ट कैसे आएगा, आपको कलम पढ़ाए थे कल की वीडियो में कि वन और वन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, याद करो, वन और वन जोड़ा जाता है द्विआधारी को तो दस होता है, यानी कि वन प्लस वन का मान दस होता है, ठीक है। द्विआधारी में बोल रहे हैं, ये भी नोटिस कर लो, वन प्लस वन का मान अगर दो होता है, दो का द्विआधारी निकालेंगे तो दो एकम दो एकम दो, जीरो बचाना, और क्या मान आया इधर से दस, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे एक और एक का मान क्या होगा, इस एक को जोड़ो और इस एक को जोड़ो तो क्या मान आएगा, दस, दस की जीरो हासिल एक, फिर एक और जीरो को जोड़ो क्या बचेगा, एक और एक को जोड़ो क्या हो जाएगा, दस, एक एक दो, दो का मान दस, दस का जीरो फिर हासिल एक, फिर यहाँ पे जोड़ो, इस जीरो को जोड़ो और एक को जोड़ो तो एक होगा, एक और एक दस, एक और एक दस की जीरो हासिल एक, फिर यहाँ जाओ एक और एक क्या मान आएगा, दस, दस और एक ग्यारह, सॉरी एक और कौन जोड़ेगा, अच्छा यहाँ पे नहीं बचा था, देखो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे चार ही है ना, एक और ये एक जोड़ो क्या होगा, दस, ठीक है। आंसर मेरा आ चुका है, कोई दिक्कत
पिछला वीडियो इसलिए बोले देखने क्योंकि ये सब चीज़ पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है, और आराम से बन रहा है और इसकी ज़रूरत हमको पड़ी नहीं पड़ी, डिटेल्स भी बताए शॉर्ट भी बताए, देखो डिटेल्स बताए शॉर्ट हमको तुरंत भी याद आया कि इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं तो हम इसे बना दिए, ठीक है, तो वो याद आने पर है कि जैसा आपका माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए वैसा यूज कर लेना उसका, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते क्या कि छूट जाते हैं वीडियो में, हमको बाद में याद आता है कि अरे ये तरीके से यहाँ पर बताना था, लेकिन फिर भी कोशिश धीरे धीरे कर रहा हूँ, आपको बेहतर से बेहतर दूंगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरी मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट और लाइक करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको कैसे जल्दीबाजी बनाएंगे वो सीख लो पहले। देखो ध्यान से, अगर हम 19 की बात करें तो 11:00:10 ये लिखा हुआ है और माइनस दे दिया, जब माइनस दे दे तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना होगा, ये ना दिया 3-0 बीच में, हाँ, और इस पे हॉल्ट दे दिया और इक्वल टू वाट, यानी कि मान निकालना है इसका। कैसे निकालोगे आप, क्या सोचना कि हमको जल्दी निकालने के लिए वही दो रख दो, इसको दो 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 दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 वाले टर्म से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो यहाँ से 2^1 का मान 2 हो जाएगा, प्लस 2^4 का मान 16 हो जाएगा, अब 2^32 हो जाएगा, इसको जोड़ दो 6 × 2 = 8, 2 = 10 की जरूरत से ले 3 × 4 = 5 50 आ गया, अब फिर माइनस कर दो, यहाँ पर भी उसी तरह से 2 रख लो, 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे 2^0 का मान 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, फिर प्लस 2^4 का मान कितना होगा 16 16 × 1 = 17 17 को घटा लो, 50 में 17 जाएगा तो क्या होगा 7, 10 में 7 जाएगा 3, अब 4 में 1 = 3 33 बचेगा, अब 33 का मान निकाल दो द्विआधारी में, 33 का मान कैसे निकालेंगे समझो, यहाँ पे देखो आपको अगर इसको पता होगा 32 का मान तो पता था ना, जल्दीबाजी में निकाले थे जो, यानी कि 32 + 1 करेंगे और 1 पे इतना 0 आपका था ना, इस तरह से कुछ था, लेकिन फिलहाल आपको नहीं पता है तो वो बताते हैं। देखो आप क्या करना, 2 से भाग दो, 16 × 2 = 32 1 = 33, 2 × 8 = 16 = 0, फिर 2 से भाग दो, 2 × 8 = 0, 2 से भाग दो, 2 × 2 = 4 = 0, फिर 2 से भाग दो, 2 × 1 = 0, और ये मान लिख दो सारे को, यानी कि 33 का मान क्या होगा 1 1 2 3 4 और 1 आंसर। और आपको 32 का मान अगर पता था कि 1 पे 4 0 होता है, ठीक है, इस तरह से 32 का अगर मान याद रखते हो तो जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है, नहीं निकाल पाओगे अगर 32 मान ले जाए, इस तरह से 32 का ही निकालना है तो 2 से भाग दो, 2 से 16 × 2 = 32 0, 2 × 2 = 16 0, 2 × 4 = 8 0, 2 × 2 = 4 0, फिर 2 से मान दो, 2 × 1 = 2 0, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि हम अगर 32 का मान को याद रखें, 5 0 लगाना है और प्लस 1 कर दे तो नहीं आंसर आ जाएगा, 1 पे 1 2 3 4 और इस जगह पे 1 बैठ जाएगा 4 0 के बाद, ये आंसर आ जाएगा, वही तो किए हैं। तो इस तरह भी बहुत कोई बना लेता है इसको सोच के, ठीक है, आप क्या सोचते हो वो मायने रखता है, तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आप इस तरह भी बना सकते हो 33 निकाल के डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है, आप क्या करेंगे पिछला कॉन्सेप्ट के अनुसार ही बनाएंगे इसको, 1 1 1 का 2 + 1 1 का दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, आपको इसको जोड़ के मान देना है, और कैसा मान बोल रहा है, ऑप्शन बता रहे कि हमको द्विआधारी में ही देना है, तो आपको हम बताए थे 1 और 1 को जब जोड़ोगे तो क्या होता है मान 10, द्विआधारी में 1 और 1 का मान 2 अगर होता है तो 2 का मान 10 होता है, और याद रखना तो 1 और 1 को 10 ही मानना, 10 की 0 लिखना, हासिल 1 रखना, फिर 1 और 1 को जोड़ो क्या होगा 10 10 और 1 11 की 1, हासिल फिर 1 रहेगा, फिर 1 और इस हासिल 1 को जोड़ दो क्या होगा मान 1 1 2 होता है, यानी कि 2 का मान 10 होता है, 10 10 मेरा आंसर हो गया 10 10, ठीक है, नहीं समझे, अरे भाई इस तरह से आप लिख लेना और ऐसे जोड़ना, 1 और 1 का मान क्या होता है 10 की 0 से लेके 1 1 10, 1 1 10 और 1 हासिल था 11 की 1 हासिल 1, 1 और हासिल 1 था तो 10 हो जाएगा, 1 1 2 2 का मान 10 10 10, समझ में आ रहा है। चलिए 20 नंबर अगला क्वेश्चन 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता कि द्विआधारी संख्या 11 10 101, क्या बोल रहा है 11 10 101 ये बोल रहा है, और बोल रहा है कि के तुल्य दशमलव संख्या क्या है, यानी कि दशमलव संख्या का मतलब हो गया कि अगर हमारा द्विआधारी संख्या है तो इसको आप बदल के देखो हमको दशमलव संख्या में, यही तो मतलब हो गया, यानी कि दशमलव का मतलब आधार 10 में, और आधार 10 का मतलब होता है संख्या में बदल दो, और ऑप्शन से आइडिया लगा लेना कि इसका मतलब हमको संख्या में जाना है, ठीक है। तो ये एक बात बताओ, यहाँ पे 2
दो 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 दो, सब में दो लिखते थे संख्या में बदलने के लिए, और पावर जीरो दो, एक दो तीन चार पाँच छ, हमेशा दो लिखना और जीरो से पावर स्टार्ट करके छः तक लिख देना। दो पर पावर जीरो का मान एक होता है, एक से एक को गुना एक, जीरो वाले पे कोई ध्यान नहीं। दो का स्क्वायर चार, ये वाला नहीं होगा, दो पर पावर चार सोलह, फिर प्लस पाँच पे पावर बत्तीस होता है, दो पर पावर छः चौंसठ होता है। इसको जोड़ लो, चार दो छः छः बारह, बारह और चार सोलह, एक सत्रह के साथ हासिल एक, ठीक है। और यहाँ पे एक हो गया, तीन एक चार, चार छः चार दस, दस और एक एक ग्यारह, एक सौ सत्रह पर आधार दस दे दो, क्योंकि दशमलव मान में दस आधार होता है, और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर में जो संख्या होगा ना वो जीरो से नौ तक में मान होगा, और ये दशमिक प्रणाली मान हुआ। दशमलव मान बोले, दशमलव संख्या बोले, दशमिक प्रणाली बोले, ये सब मान एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप बना सकते हो। क्या क्वेश्चन कहता है, इस तरह का क्वेश्चन तो बनाए, लेकिन हाँ लैंग्वेज पे ध्यान देना, ज्यादातर स्टूडेंट लैंग्वेज से डर जाता है कि द्विआधारी संख्या 235 ठीक है के तुल्य दशमलव संख्या क्या होगा, यानी कि 235 के तुल्य जो दशमलव संख्या है ना उसका द्विआधारी संख्या क्या होगा, द्विआधारी संख्या निकालना है इस 235 का तुल्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पे आपका 10 दिया है, मानहीन होता है, अगर यहाँ मान दिया है 10 तो इसको क्या करना है, द्विआधारी में जाना है, तो क्या करोगे, इसको भाग लगाओगे, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया होगा, अब इसको भाग लगा लो। भाग किससे लगाएंगे, हमेशा दो से भाग लगाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले लाइनिंग जो देना है ना थोड़ा बड़ा करके देना, हमेशा बड़ा नंबर रहे तो, दो एकम दो, सॉरी दो एकम दो, दो एकम दो, दो सत्ते चौदह, एक बचा दो, यानी कि यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। एक दो सौ सत्रह दो, सॉरी दो एकम दो, सत्रह दो एक बचे, हाँ सही है। अब दो से लगा लो, दो पंचे दस, एक बचा सत्रह हो गया, दो अट्ठे सोलह, एक सत्रह, यहाँ एक लगा लो, ठीक। फिर दो से लगा लो, दो दूना चार, एक बचा, दो नौ अठारह, उनतीस दूना अंठावन, जीरो बचा शेष, ठीक। चौदह दूना अट्ठाईस और एक उनतीस, सात दूना चौदह, जीरो, तीन दूना छ, एक सात, दो एकम दो और एक तीन, ठीक। अब यहां से आपको यहां तक लिख देना आंसर आ जाएगा, यानी कि ग्यारह दस, ग्यारह दस, दस ग्यारह, यही तो मेरा आंसर होगा। क्या नंबर ऑप्शन है, दो नंबर है। अब ब्रैकेट अगर नहीं भी लगा के ऑप्शन दे रहा है ना, तो यहाँ पे दो, इन चीजों को समझ लो, ठीक है। ये द्विआधारी मान है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना है। चलो 22 नंबर के बाद 23 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि जीरो एक जीरो एक और एक हजार एक का योग क्या होगा, ठीक है। जीरो एक जीरो एक और एक हजार एक ना, इसी के नीचे लिख देता हूं, प्लस करना, ठीक है। आपको क्या पढ़ाए थे बेसिक में, एक प्लस एक बराबर क्या बोलना द्विआधारी में, दस, ठीक है। तो एक और एक का मान क्या होगा, दस, दस का जीरो हासिल एक, जीरो जीरो जोड़ेंगे तो क्या मानेगा, जीरो, और जीरो और एक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, ठीक है। और एक का एक और एक का एक, यानी कि ग्यारह दस मेरा आंसर होगा, और ग्यारह दस आंसर है आपका, बिल्कुल है, आंसर नंबर दो हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझना था ये कि एक एक का मान दस होता है, ठीक है। चलो 23 के बाद 24 नंबर देखते हैं। देखिए 24 नंबर सवाल कैसे बनाओगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 11111 और फिर जोड़ना है ना हमको, सबको नीचे लिखता हूं, फिर है 10001, 10001 ये दिया, अब फिर दिया 10111, डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप, ठीक है। कैसे सीखना, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे, एक प्लस एक होगा द्विआधारी में तो दस मानेंगे उसको, तो एक और एक क्या होगा जोड़ के, दस, दस और एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्यारह, और इसका मान अगर द्विआधारी में ही दिया है ऑप्शन, तो आप यहाँ पे एक लिख सकते हो, क्योंकि एक एक दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह की एक, ठीक है। एक और जीरो के अलावा कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ो, एक और एक दस, दस और हासिल एक, ग्यारह की एक हासिल एक, फिर समझना, एक और हासिल एक, दस, दस की जीरो हासिल एक, एक और एक दस, दस और एक ग्यारह की एक हासिल एक, फिर एक एक दस, दस और एक ग्यारह, ये मेरा आंसर होगा। और ये आंसर आपका कितना नंबर है, तो तीन नंबर आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 बन गया, फिर से एक बार समझो जो नहीं समझे। एक और एक को जोड़ो क्या मान आया, दस, दस और एक को जोड़ो क्या आया, ग्यारह, ग्यारह की एक हासिल एक रख दिया,
फिर एक और एक को जोड़ो क्या मन आएगा, एक और एक जोड़ते हैं तो क्या मन आता है, दस, दस और एक को जोड़ोगे तो क्या होगा, ग्यारह, ग्यारह की एक, फिर हासिल एक, ठीक है, हासिल एक है, फिर एक है और हासिल एक जोड़ो तो क्या मन होगा, एक और एक दस, दस की जीरो लिखे हासिल एक रखे, ठीक है, फिर एक और एक का मन जोड़े तो क्या हुआ, दस, दस और एक, ग्यारह की एक हासिल एक, फिर एक और एक का मन दस, दस और एक, ग्यारह, ये आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो चौबीस नंबर बन गया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग मान निकाल के जोड़ के फिर मान निकाल के बनाएंगे तो वो तो काफी समय लगेगा ना, डायरेक्ट सीखो। अगला क्वेश्चन 25, देखिए 25 नंबर सवाल भी उसी तरह से 24 की तरह ही है, लेकिन आप बना नहीं पाओगे इसको, कैसे सिखाऊंगा वो, अगर आप बना लिए तो वेरी गुड, अगर नहीं बनाए तो देखो 11 जीरो लिखा हुआ है और फिर जीरो लिखा है, एक लिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है आपका 11 जीरो एक एक, हम इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको हम डायरेक्ट सिखा पाएं, एक 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 प्लस, बहुत बच्चे इसको मान निकाल के जोड़ के फिर उसका मान निकाल लेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा ना, और आपको 10 से 15 सेकंड में बना लेना है, समझो। आपको क्या बताए थे, जब भी एक प्लस एक हो तो उसको बोलना 10, ये तो आपको पता होना चाहिए, एक और एक होता है 10, तो एक और एक क्या होगा 10, और 10 और एक कितना हो जाएगा 11, 11 के एक हासिल एक, ठीक, इसका जो मान आएगा एक जीरो एक यही आना चाहिए, एक और जीरो के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए दूसरा, अगर दूसरा आ रहा है तो गलत कर रहे हो, ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, एक और एक का मान क्या होगा 10, 10 और हासिल कितना था एक, 11, 11 की एक, फिर हासिल मेरा एक रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, एक और एक का मान कितना होगा 10, एक और एक का मान 10 होता है, 10 की जीरो, हासिल फिर एक रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एक और एक का मान 10, 10 और एक 11, 11 और फिर एक जोड़ना, 11 और एक अगर जोड़ोगे तो क्या मानोगा, एक और एक 10 की जीरो हासिल एक, एक और एक 10, ठीक है, ये जीरो लिखाएगा, ये वाला जीरो और 10 आपका हासिल रहेगा, ठीक है, फिर से बता दूंगा अगर नहीं समझे तो पहले देख लो, एक और एक क्या होगा 10, 10 और एक 11, 11 और 10 को जोड़ो हासिल था, तो एक और एक एक 10, एक एक 10, हमेशा बोलना 101, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 101 00 11, 101 00 11 ऑप्शन नंबर एक में है, समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूँ, हमको पता है बहुतों का समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो मैं जान जाता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उसको कहाँ प्रॉब्लम होता है, और उस तरह से बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होते होंगे इस तरह से, ठीक है, अब देख लो, कुछ बच्चे आते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए हमारे पास, ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ तो उससे कमजोरी पता चल जाता है कि बच्चे यहाँ यहाँ नहीं समझते, इस कारण से मैं ज़्यादा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलो, एक और एक क्या होता है 10, आपको हमेशा याद रखना है एक प्लस एक का मान 10 होता है, 10 और एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, 11 का मान एक, हासिल आपका एक रहेगा, फिर एक और एक का मान क्या होगा 10, 10 और एक का मान क्या हो गया 11, 11 की एक, फिर हासिल एक, एक और एक हासिल है ना, तो 10, 10 का जीरो, फिर हासिल एक रखेंगे, ठीक है, अब यहां से समझना, इस जगह तक तो समझ में आता है, यहाँ पे देखो एक और एक 10, 10 और एक 11, 11 और एक को जोड़ना है, तो समझो बात को, इसको इधर लिख के जोड़ना है 11 प्लस एक, तब समझ में आएगा, एक और एक का मान क्या होता है 10 की जीरो, हासिल एक बचाना, एक और एक का मान क्या होगा 10, ये होगा ना, इसका इकाई अंक यहाँ लिख दो, और ये 10 मेरा कैरी रह गया, हासिल रह गया, ठीक है, फिर एक और एक का मान क्या होगा 10, 10 और एक का मान क्या होगा 11, आप इसको 11 जोड़ लो, तो एक और एक एक का मान 10, एक एक का मान 10, यानी कि 101, ये मेरा आंसर हो गया। आपको हमेशा यही याद रखना है, एक और एक का मान होता है 10, और एक एक अगर दो बोलते हो तो दो का मान बाइनरी में, द्विआधारी में 10 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 नंबर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भी उसी तरह है, आपको द्विआधारी अंकों का योग आना चाहिए, अब तक तुम्हें सिखा दिया हूँ, ठीक है, अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, जब जब वो लिख रहा है ना तो यहाँ पे टू डाल रहा है, टू डाल रहा है, और इसको कह रहा है जोड़ के बताओ, और आंसर भी जो दे रहा है ना एक एक, एक जीरो वाला भी दे रहा है, तो आप समझ जाना कि हमको इसको जोड़ना है, तो एक एक एक, एक जीरो एक, आपको इस तरह जोड़ के बताते हैं, देखो एक और एक कितना होता है 10, बार बार लिख देता हूँ आपको, एक प्लस एक बराबर 10, आप हमेशा याद रखना, और कोई आदमी एक प्लस एक बराबर 2 बोले तो भी बोलना 10, ठीक है, एक एक 2 और 2 बराबर 10, ठीक है, और 2 का बाइनरी अगर निकालोगे भी तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 0, तो इधर से ही लिखा जाता है ना 10 होता है, तो इसलिए एक एक 10 की 0 हासिल एक, एक और एक 10 की 0 हासिल एक, एक और एक 10 और एक 11, 11 सौ आंसर है, 11 सौ आंसर है, 3 नंबर आंसर है, तो क्या दिक्कत था 26 नंबर, एक और एक
दस, दस का जीरो हासिल एक, एक और फिर हासिल एक, तो दस, दस का जीरो हासिल एक, और एक और एक दस, दस और एक ग्यारह, और ये आंसर आना चाहिए एक एक में ही, ठीक है। छब्बीस बन गया। सत्ताईस नंबर देखते हैं, 27 नंबर बना सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह पैटर्न पे जिस तरह से पिछला पैटर्न चल रहा है, सेम क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करो और बना के देखो, बनेगा आपसे, ठीक है। और जिनसे नहीं बनेगा वो देखना चाहते हो तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको 1000 लिख लेना, और फिर 1101 लिखा है इसके नीचे लिखना, चूंकि जोड़ना है ना हमको, और फिर लिखा है आपको 1111। कैसे जोड़ेंगे आपको फिर वही याद करना है, एक बराबर एक एक दस, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक और एक का मान क्या होता है, दस, दस का जीरो हासिल एक, ठीक है। एक और एक हासिल क्या होगा, दस, दस की जीरो फिर हासिल एक, फिर एक और एक दस, दस और एक ग्यारह की एक फिर हासिल एक, एक और एक दस, दस और एक ग्यारह, एक ग्यारह में एक जोड़ना है तो इधर जोड़ते हैं, चलो ग्यारह में एक जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, एक और एक एक, एक और एक दस, दस का जीरो फिर हासिल एक, एक और एक दस, ठीक है। ये रख दो यहाँ पे, ये मेरा आंसर है, देख लो 1100 है ना, तो आंसर नंबर एक में ही तो है। तो इस तरह से बनाओगे, फिर से समझो, एक और एक दस की जीरो हासिल एक, एक और एक दस की जीरो हासिल एक, इसका हासिल था एक और एक दस, दस का जीरो हासिल एक रहा ना, एक और हासिल एक, तो जीरो एक एक दस, दस का जीरो हासिल एक, एक और एक दस, दस और एक जो हासिल था ग्यारह हुआ एक, ठीक है। एक बचा यहाँ पे, 11 का एक लिखे, एक हासिल रहा, याद रखना, एक और एक दस, दस और एक 11, 11 में एक जोड़ दो, एक एक दस की जीरो से लेकर और एक, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एक एक दस की जीरो, ठीक है, हासिल एक और एक दस, ठीक है, ये आपका यहाँ लिखा जाएगा। क्या था क्वेश्चन में, तो 27 नंबर बना दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कैसे बनाएंगे, अभी हम माइनस वाला आ जाए ना तो थोड़ा सा आप इसका उसी तरह से यूज करना, क्योंकि हम जो भी बताएं आपको जोड़ में बताएं, एडिशन में बताएं, ठीक है, और माइनस करना ही नहीं बताएं। ये है, और फिर आपको यहाँ पे दो दे दिया और माइनस लगा दिया है, एक 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 दो दे दिया। जब इस तरह की बात रही तो आप क्या कर रहे हैं, सभी अंकों के नीचे दो 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 लिख देना और जीरो पावर दे देना, या वन या टू या थ्री या फोर, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह दो 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 जीरो एक दो तीन दे देना। अब देखो ध्यान से, दो पर पावर जीरो का मान क्या होगा, एक, एक लिखना प्लस, यहाँ से गुना किया जाता है, ठीक है, और ये सब तो जीरो ही मान देगा ना, तो यहाँ पे दो पर पावर चार का मान कितना होगा, सोलह, सोलह और एक सत्रह हो जाएगा, और माइनस करना है यहाँ पे, दो पर पावर जीरो का मान एक प्लस दो प्लस चार प्लस आठ, आठ चार बारह, तेरह चौदह एक पंद्रह, पंद्रह हो जाएगा, सत्रह में पंद्रह जाएगा तो दो बचेगा, और दो का मान कितना होता है दस, एक और एक दो, दो का मान दस, दो को अगर हम बैंड्री निकालेंगे तो दो एक कम दो जीरो बार में, तो इधर से लिखेंगे दस, तो दस आंसर है तीन नंबर, ठीक है। तो 28 नंबर बन गया। चलिए 29 नंबर देखते हैं, देखिए 29 नंबर सवाल। तो इस सब माइनस वाला का यूज जो करोगे ना उसी तरह करना जिस तरह से करने बताए अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो रूल है, लेकिन ऐसा रूल है कि वो एकदम बेकार रूल है, हम इसलिए नहीं सिखाना चाहते कि वो सब माइंड में अगर सेट हो जाएगा तो आपको इसे नहीं बनेगा जल्दी, और जल्दी जैसे बनाएंगे वो यूज करते हैं। तो देखो पाँच एक है ना, एक और दे दो उधर भी है। अब देखो इसको कैसे करोगे, दो लिख देना, दो 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 जीरो एक दो तीन चार, और सबका मान निकाल देना, सब में एक एक है, दो बराबर चार का मान सोलह प्लस आठ प्लस चार प्लस दो प्लस एक, ठीक है, आठ चार बारह, तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह और सोलह तीस, एक इकतीस हो जाएगा यहाँ पे, और फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, दो रखना, दो 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 जीरो एक दो तीन चार, दो बराबर चार का मान हो जाएगा सोलह प्लस एक एकाएँ एक सोलह एक सत्रह, माइनस कर दो सत्रह, ठीक है, तो इकतीस में सत्रह जाएगा, यानी कि ग्यारह में सात जाएगा चार बचेगा, और दो में एक जाएगा एक चौदह, चौदह बचाना, चौदह का बैंड्री निकाल दो जल्दीबाजी में, दो से चौदह जीरो, ठीक, दो से तीन दूना छः एक सात, दो से दो एक कम दो और एक तीन, ठीक है, ग्यारह दस आंसर हो जाएगा चौदह का, यानी कि ये दशमिक प्रणाली में है चौदह, ठीक है, और इसका बैंड्री मान जाएगा ग्यारह दस आंसर, ठीक है, ग्यारह दस तीन नंबर आंसर हो गया उनतीस। चलो अब लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद द एंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 30 नंबर कहता है कि 1111 को 11 से गुना करें। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा और हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बनेगा या नहीं बनेगा ये भी पता, चलो बता ही देता हूँ, हो सकता है बहुत लोगों से ना बने, चलो बता देता हूँ कैसे बनाएंगे, ध्यान देना 30 नंबर, लेकिन हाँ जो लोग बना लेंगे कमेंट करके बता देना। 1111 को कहता है गुना करो 11 से, तो 11 से उसको गुना करना है,
तो जब गुना करेंगे तो ये तो एक 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 लिखाएगा, यहाँ भी एक 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 लिखाएगा, यहाँ एक लिखाएगा, हो गया ना। उसके बाद इसको जोड़ना है, और जोड़ में आपको बैटरी नंबर का यूज करना है, क्योंकि आंसर आपका जो दिया है ना बैटरी नंबर का दिया, ठीक है। तो वो ऑप्शन से पता लगाना है कि आंसर क्या होगा। ऐसे अगर गुना करोगे तो एक 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 होगा और एक एक दो हो जाएगा, तो दो तो यहाँ पे है नहीं क्या ऑप्शन में, सब में एक जीरो एक जीरो। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि अच्छा है एक एक दस वाला टर्म है, तो एक लिखना, एक एक दस की जीरो हासिल एक, एक एक दस, दस और एक ग्यारह की एक हासिल एक, एक एक दस, दस और एक ग्यारह की एक हासिल एक, एक और एक दस, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, है ना सर। चलो बता दिया, हो सकता है आप लोग से ना बनता ये, तो फिर एक लास्ट लास्ट में रह जाता आपका टेंशन। तो कंप्लीट करा दिया हूँ बाइनरी सिस्टम, दबा के लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये बाइनरी सिस्टम। कल की क्लासेस में इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और अलग से कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो कि अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और बताता हूँ, सारे चैप्टर जो कंप्लीट कर रहा हूँ सारे प्लेलिस्ट में जाके आप कंटिन्यू देखिए, एक एक वीडियो आपको अरेंजिंग से मिलेगा, कहीं स्किप नहीं मिलेगा, और हर क्वेश्चन को मैं बता ही रहा हूँ। और कॉमेंट तो कर ही रहे हैं कि बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है क्या। चलो, जो भी हो, सभी को थैंक यू।